नमस्कार आज वास्तुशास्त्र कार्यक्रम को आपण मानक अनेक स्वागत दर्शक बंधु मु आपण मान प्रिय ज्योतिर्विद तथा वास्तु विशारद पंडित श्री अशोक कुमार महापात्र आज आम वास्तुशास्त्र संपर्क में आज आलोचना करवा उत्तम वास्तुगृह रंधनशाला अर्थ रोषे गृह क्यों स्थान निर्माण कले आपण मान मंगलमय होता है। तो बंधु आज प्रसंग को जब आम आगे बढ़ाया को नवा तो गोटे कथा मन रखु उत्तम वास्तुगृह समस्ते चाहती समस्त इच्छा थाए गोटे सुंदर गृह निर्माण करेंगे गोटे सुंदर रोषे घर करेंगे कारण आजिकल जोटा कि माँ लक्ष्मी बासस्थान हूँ रोषे गृह तेणु रोषे गृहटी जदि भल अच्छी निर्मल अच्छी सफा सुतरा अच्छी तेल उत्तम दिग्गरे तैयारी से घर में कौन कहार रोग व्याधि पीड़ा हो न था गोटे उत्तम शरीर समस्ते लाभ करह मन सुस्थ रुहे मन प्रत्येक कार्य जोड़ा कि आनंद आगे आगे चले एवं बाहर खाद्य को बेखातिर कर जोड़ा कि घर मुखिया इच्छा करे घर टिके गले शांति खाइब शांति शोब ये चिंताधारा समस्त मुंडे थाए कि समस्ते सक्सेस हाँपाई तो चेष्टा करती किंतु बेले बेले कि कृतकर्मर फल आमको सब अघटन एवं अकथनीय मार्ग को टाणिकी नहीं थाए ये जमी आप देखु गोटे रोषे गृह नियम होण अग्निदेवता बिना आम रोष करवा असंभव से अग्निदेवता स्थान घर सब कोण को देखीदे केवल दक्षिणर कोण बा पूर्व दक्षिणर कोण अग्निकोणटी हूँ अग्निनारायण स्वतंत्र स्थान तेणु अग्निनारायण को जदि आम स्वागत करवा डाक संबोधन कर आमर जोटा कि आशीर्वाद पूर्वक खाद्य सामग्री को आम प्रस्तुत करने चाहिबा ताले प्रथमतः रोषे गृहटी को वास्तुगृह आपण पूर्व एवं दक्षिण दिगर कोण अग्निकोण से निर्माण करवा आवश्यक जदि आपणकर पूर्व और दक्षिण दिगर कोण से वास्तुगृहटी निर्माण होपण को रोषे गृह विपद ना से घर पर कौन वास्तुदोष न थाए जदि आप चिंता करेंगे आम तो अग्निकोण से जोटा कि रोषे गृहटे बनइलु ताल खाद्य आम जो इच्छा करूँ से बनी पार ना बंधु सेमती नुहे कारण आप जो चाहिए खाद्य सेठ बनई पार बोले सेमती कौन सी यथार्थता ना तार गोटे स्वतंत्र सूत्र अच्छी ना जो सूत्र अनुजाई आप भागमाप पकईकि आप रोष करें तेणु रोषे कर सब नियमटा हूँ दक्षिण पट मार्ग तेणु दक्षिण पटे आपणकर गैस चूला एवं विशेषकर रोष सामग्री और रोष कर समस्त उपकरण आपण केवल दक्षिण पट दिगरे थोपर बेले बेले कौन होता है प्राय घरे आप देखिए दक्षिण पटे सब चूला फुला थोक रोष करती कारण आजिकल तो काठ चूली आ ना समस्त गैस रोष करते कि गैस टाँकीटा को अगर दिगरे थोथे ना बंधु सेमती के भूल करेंगे ना सब दक्षिण पट क्षेत्र में जो गैस टाँकी थुआब आ दक्षिण पटे चूला रो आप रंधन प्रक्रिया केवल दक्षिण पट क्षेत्र में ही निर्माण करेंगे कि बेले बेले आप रंधन करती दक्षिण पट क्षेत्र प्रस्तुति सामग्री ये भात डाली तरकारी जहाँ भी आपंकर हो ये सब को आप कौटी रखती ना यही सब कु रखापी बेले बेले लोक मैंने से दक्षिण पट क्षेत्र में ही रखी था आ दक्षिण पटे निर्माण कर समस्त खाद्य प्रस्तुति को आपड़ी रखती ताल से अम्ल सृष्टि हुए जहाँ को घर मुख्य लोक घर सदस्य खाइला मैंने शरीर भितर विभिन्न प्रकार जोटा कि रोग व्याधि पीड़ा गैस एवं विशेषकर जो उदर पीड़ा मानसिक अस्थिरता मुंड बुलेबा एवं बांति हवा यह सब जिन देखाई थाए जदि आप सब दक्षिण पट क्षेत्र को गुरुत्व दिखती गुरुत्व आपर केवल रंधन प्रक्रिया किंतु प्रस्तुति सामग्री को सब आप पूर्वपट क्षेत्र रखिले से खाद्य शीतलता आसव प्रत्येक जोटा कि जोटा बास्ना हम एवं विशेष भाव प्रस्तुति सामग्री आप आराम खाइले कौन सी रोग व्याधि पीड़ा आसबना गोटे सुस्थ शरीर नहीं आपण मैंने गति करेंगे बेले बेले कौन हुए ना कि लोक जोटा कि रोषे घर टे ठीक जगार निर्माण नक जोटा कि पूर्व दक्षिण कौन अग्निकोण निर्माण नक अन्य दिगरे करती पचारे कहते हाँ आम तो करदेलु आम इच्छा अनुसार देखते बाबू आपण मैंने गुड़ाए पैसा खर्च कर घर टे टा दी टकर निर्माण हो आपण जीवन सारा जहाँ भी किसी धन सम्पत्ति आप संचित कर रखुच्च से सबको खटे कि
ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସହି ସମ୍ଭାଳିକି ଗୃହଖଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୃହ ଯଦି ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଘର ବେକାର ହୋଇଗଲା। ମାଟିଗୁଣା ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଏ, ମାଟିଗୁଣା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୋଟିପତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତୁ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ, ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର କଲା ମାନେ ଘରର ମୁଖିଆଙ୍କର ଟ୍ୟୁମର, ବ୍ରେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ, ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରୁଗୁଣା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଗୃହଟା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରନ୍ଧନ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୃହଟିକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ, ସୁନ୍ଦର, ସଫା ସୁତୁରା, ନିର୍ମଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଯେତେ ଫ୍ରି ସ୍ପେସ୍ରେ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଗୃହ କେବେ ଯେଉଁଟା ଜାକିଝୁକିକି କରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ରେ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବହୁତ ରୋଷେଇ ଗୃହ ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ବନେଇ ପାରିବେ, ସେମିତି ଗରିବ ଧନୀର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଜାଗାରେ ତ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ, ଏତିକି ତଳେ କରନ୍ତୁ ବା ଉପରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ସବୁବେଳେ ତଳେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଜା ଭାଜା ପକାଇକି ନିର୍ମାଣ କରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇର ନିୟମ ହେଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗିକି ଯଦି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ଆଟାକ୍ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ନିହାତି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ପ୍ରଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନା କାଠ ଅଛି, ନା ଚୁଲି ଅଛି, ନା ଆଉ ସେସବୁ ସମୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହିତ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ନେଇ ଗତି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଗୃହର କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ବାସ୍ତୁ ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9937134402, ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।